हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। और भाई अपने पास आ गया है नया साउंड बार, और ये दोस्तों बजट साउंड बार जिसका बजट 5,000 के अंदर है। ये वीडियो भाई उनके लिए भी है, और ये वीडियो उनके लिए जिनको बस साउंड बार चाहिए और बजट से कोई दिक्कत नहीं है, महंगा हो सस्ता हो बस साउंड अच्छी चाहिए। और ये किस चीज़ के लिए, लेकिन भाई वीडियो तो बनानी है, तो करते हैं अनबॉक्सिंग शुरू। पहले तो भाई काटते हैं सारी टेप एकदम बढ़िया। मैं जब तक अभी टेप वगैरह हटा रहा हूँ तो भाई थोड़ी काम की बात बता देता हूँ। जैसे काफ़ी लोग होते हैं उनको पता नहीं होता रिटर्न पॉलिसी का, तो भाई अगर तुम्हें रिटर्न पॉलिसी का ध्यान रखना है सिर्फ नए यूज़र्स के लिए, जैसे अपने हो गए ताऊ चाचा थोड़ी बड़ी एज वाले, वो जैसे उनकी आदत होती है डब्बा खोला और सीधा फेंक देते हैं डब्बे को, तो वह नहीं फेंकना डब्बा। जितने दिन की पॉलिसी होती है तो पहले तो उतना संभाल के रखो, ठीक है। फिर जैसे 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो फटाफट से फेंक दो डब्बे को। और भाई अगर सामान खराब है तो ही वापस भेजा करो। ये कुछ फ्रॉड लोग होते हैं वो भाई कभी तो कुछ सामान डाल देते कभी कुछ, जिस दिन भाई पकड़े गए ना बहुत गलत वाली छाप पड़ेगी तुम सब पे, मतलब तुम सब पे नहीं उन चोरों पे जो ये फ्रॉड करते हैं रिटर्न वाला। तो खास तो भाई पहली चीज तो नोटिसेबल पता क्या है, इसका साइज। ये है कॉम्पैक्ट, उसमें ये साउंड बार साइज में जैसे गोवो को तो आपने देखा था 620 वाला और 610 वाला, भाई उसके डब्बा इतने बड़े थे। ये तो भाई ये देखो, ऐसा डब्बा दिखता है भाई ये। भाई इस 10 में से 10 हैं इसके डब्बे को। गोवा के दोनों साउंड बार मंगाए थे और छोटे वाले स्पीकर मंगाया था भाई, डब्बों की हालत खराब थी। और ये देखो यार कितने बढ़िया पैकिंग है जेब्रोनिक्स के लिए, तो भाई 10 में से 10 है इस मामले में। बाकी भाई वैसे मेरा जेब्रोनिक्स के प्रोडक्ट के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जल्दी ख़राब हो जाता है। हाँ मेरे को पता नहीं इनके मेरे साथ ही ऐसे होते हैं या फिर बाकी लोगों के साथ भी होते हैं, लेकिन वैसे जेब्रोनिक्स ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। अच्छा लगता है यार अपने इंडियन ब्रांड्स वगैरह जब अच्छी सी मतलब मेहनत करके इतना आगे आती हैं तो बड़ी खुशी होती है भाई। ये तो यहाँ से हो गया, यहाँ से देख रहे हो अपना भाई की ताकत एक हाथ से बस। ज्यादा नहीं यार, ज्यादा ताकत दिखा दी मैंने, गलत बात है। तो भाई ये निकला अपना साउंड बार, और ऊपर कैसे निकलेगा भाई जो बात है। ये तो मैंने कर दिया हवाबाजी में, गड़बड़ कर दी। अच्छा इस तरह निकलेगा ऊपर क्या हो रहा भाई ये, इतनी ताकत जिम जाके क्या करना है इतना। बात ही अलग है। तो भाई और भाई लुक्स वगैरह में तो अब इसको थैली से निकालेंगे तब पता लगेगा। भाई लग तो बड़ा प्यारा रहा है, ये अच्छा लग रहा है काफी, मेरे को तो अच्छा लग रहा है दिखने में। ये देखो हल्का सा वूफर है तो
ज्यादा मोटा भी नहीं है और कॉम्पैक्ट साइज है। तो भाई आप इसके डब्बे में एक बार पढ़ लो, इसके मॉडल देख लो इसका, 3900 है। इसे ब्रॉनिक्स इंडियन ब्रांड नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड ऑन 7/2022, इंपोर्टेड ऑन। गोवो वाले को भी ये सीन था, उसमें भी पीछे वो लिखा है। मैं बड़े घपलेबाजी कर रहे हैं यार। मैंने बॉक्स चेक ही नहीं करा। तो भाई इसमें अपनी ये है, देखो ये केबल है, रिमोट है। भाई रिमोट तो ऐसे इज सेम है गोवो की तरह, और ये बैटरी मिलती है, और ये भी कुछ तो है। और अडेप्टर, ओके अडेप्टर। और ये भाई क्लैंप है, उसके पीछे ऐसे लग के टंग रहे। गुड वर्क नाइस यार। भाई मेरे को तो लुक्स बढ़िया लगे, कुछ भी बोलो। अब भाई फटाफट इसका निकालते हैं बार को उसमें से। वॉट्स का टोटल है ये आउटपुट पावर, ठीक है। और ये HDMI आर्क, और ये अपनी कोएक्सियल ऑक्स डीसी इन सब आउट। तो भाई ये देखो फ्रंट से काफी प्रीमियम लुक है, अंदर ना मेरे को दिख नहीं रहा कितने स्पीकर है कितने नहीं है। शायद एक यूनिट यहाँ है, एक यूनिट यहाँ है, ठीक है। यार दिखने में तो बड़ा प्रीमियम है, फोटोज में तो बड़ा बुरा लग रहा था ये। तो भाई जब अपनी आंखों से देखते हैं ना, जब असली मतलब इन रियल लाइफ देखते हैं, तो भाई तब पता लगता है चीज़ कैसी है। हम अमेजोन या मतलब ऑनलाइन फोटोज देख पता नहीं लगता। तो यार एक काम करते हैं, फटाफट एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन होगा ये कि ये 80 वॉट का स्पीकर कैसा है गोवो के, उससे एक नई कंपनी के मुकाबले अपनी पुरानी कंपनी कैसी है। तो भाई देख लो ये जो है रिमोट है ना गोवो का, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में था, इन दोनों के रिमोट ना दिखने में बिल्कुल सेम है। अब मेरे को बस ये चेक करना है इसकी पावर ऑन से ही ऑन होगा। अरे क्या बात है भाई, हो गया ऑन। तो भाई यार एक सेकंड, तो भाई मैंने इसको पावर प्लग में लगा दिया है, वो देख सकते हैं उसका अडैप्टर मैंने लगा दिया है। और भाई ये इसका नहीं है, ये है रिमोट गोवो का। तो भाई उसके रिमोट में सोच रहा क्या ही निकालना है, क्योंकि दोनों तो सेम दिखते हैं। तो भाई अब ये चेक करते हैं हैंड टू हैंड की ये चलता है कि नहीं। देखो भाई तुम्हारे सामने है लाइव इसके पावर ऑन करने वालों में। क्या बात है। तो भाई हो गया ऑन, और मैंने इसको अपने सैमसंग वाले फोन के साथ पेयर कर लिया। भाई यार मेरे घर पे वाईफाई बंद है, थोड़ा वीडियो में इधर उधर कट्स रहेंगे। डिस्प्ले की एलईडी की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अब ये देखो, देखो इसकी जो ट्रेबल है ना, बस मैक्सिमम 5 जाएगी, बेस भी 5 जाएगी। वॉल्यूम कितनी जाती है इसकी मैक्स, और भाई 32 जाती है इसकी आवाज।
वॉल्यूम 8 पे है। रात को तो बस इतना ही टेस्ट कर पाएंगे और ये वीडियो भाई अपलोड होगी कल। अगर भाई एक्साइटल वालों ने ठीक कर दी, इतनी घटिया सर्विस है भाई, थर्ड क्लास सर्विस। तो भाई काफी लोगों को वहम रहता ना 80 वॉट 100 वॉट 160। तो भाई इस कंफ्यूजन को भी मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये हो गया 80 वॉट का और 600। भाई सारे कंफ्यूजन क्लियर, वो 160 वॉट, लेकिन जब पीक वॉल्यूम जाने लग जाती है तो वो 200 वॉट पे पहुंच जाता है। सो वीडियो आ जाएगी 80, 100, 80, 120 और 160। तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और तुमको मैंने दिखाई दिया भाई ना पीछे से सारे कंपनी का सिस्टम एक ही रहता है, और जैसे एक बोट का भी कोई आ रखा है और आयन कुछ करके 920 900, सेम टू सेम कॉपी है, रिमोट भी सेम है। भाई मेन सारा फर्क आता है आफ्टर सेल एंड सर्विस का, जहाँ मैं समझता हूँ बोट सबसे अच्छी है। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि वो भाई वो घर पे आते हैं सामान, मतलब अपना प्रोडक्ट को लेने, ये सबसे बेस्ट बात है। बहुत ही कम कंपनियों का होता है सिस्टम ये वाला। चलो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाय जी। नमस्कार डियर कस्टमर।